पसारू, तेरी ओर निहारू, तेरी बाट निहारू। जय शनि देवा, जय जय शनि देवा, जय शनि देवा, जय शनि देवा, जय शनि देवा, जय शनि देवा। महाबल में निकालू, मुझे बचा लू, जय शनि देवा, जय शनि देवा, जय जय शनि देवा, कर तेरी सेवा। जय शनि देवा, जय शनि देवा, जय जय शनि देवा, 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 जय शनि देवा। ये पीड़ा देवे, भारी नाम प्रचारी, तेरी कीर्ति गाऊं। जय शनि देवा, जय शनि देवा, तुम्हें मनाऊं। जय शनि देवा, जय शनि देवा। ओ पापा मेरे, ओ दाता मेरे,
شني ندى 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 شني सबसे पहले तो बहन जी के लिए तालियां बजा दो, बिल्कुल ठीक हो गई है, खड़ी हो जाए सबके बीच में, खड़ी हो जाए सबके बीच में। अब तो नाच का नहीं रही, अब का हो गया तुझे हाँ? और ये इसको बाधा थी प्रेत की और हॉस्पिटल वालों ने इसको जम के लूटा है। क्या किया है? जम के लूटा है, दुनिया भर की बीमारियां बता के। और एक बात, इसका प्रेत गया, इसकी बीमारी ढूंढ के दिखाओ इसको। वो कमीने इसकी बीमारी ढूंढ के दिखाए जो इसको लाखों बीमारी बताते थे हॉस्पिटल वाले, ढूंढ के दिखाए कौन कौन से हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था आप बताएं। और कितना पैसा आज तक आपने इसका हॉस्पिटल में दिया है? पूरे साल में 2.5 लाख रुपए दिए इन्होंने। किस किस ने जम के लूटा है ये बताओ। इसी ने जम के लूटा अपने मुंह से, ऋषिकेश में दिखाया। हाँ, ऋषिकेश में, एम्स में। क्या उन्होंने जम के नहीं लूटा? पूरा लूटा, पूरा लूटा। पैसे कहाँ से लाया था? कर्जा पाता करके पैसे लेके आता है आदमी और हॉस्पिटल वाला लूटता है। और अगर हम ये कह दें कि प्रेत है, पितर है, तो ये कहता है ढोंग ढकोसला, अंधविश्वास है। काहे ठीक नहीं किया फिर? एक साल में जम के लूटा, ठीक किया इतना सा भी? ये यहाँ पे मरती हुई आई थी ऐसे ही ना, ऑपरेशन भी कर दिया उसके बाद। किस चीज का ऑपरेशन कर दिया? टाइल्स का ऑपरेशन करा और बाद में कैंसर बता दिया। भाई एक हद है भाई, एक काम करो दूसरा रोग बता दो, एक काम करो दूसरा रोग बता दो, है ना? बीपी की दवाई देने लगता है फिर कहते हैं तुझे तो शुगर भी है, ये भी है, तुझे तो माइग्रेन भी है। इनकी लूट का पूरी दुनिया को पता है, पर ये लूटने वाले कोई बड़े ही लोग होते हैं हमेशा। आपको वे हॉस्पिटल्स के माध्यम से लूटते हैं, वे नेता बन के लूटते हैं, कहते हैं करता देता कहता रहता, ना करता ना देता हूँ मैं एक सच्चा नेता हूँ, वही वाली बात।
तो हर तरह से लूटते हैं, विकास कम विनाश ज्यादा। और विकास करे कोई तो कोई एक आध होता है, जब वो विकास करता है तो फिर उसको पीछे से खेचने वाले बहुत होते हैं, तब वो विकास करने वाला कहता है अब की बार 400 पार है ना, और उसके 400 के आंकड़े के पीछे लग जाते हैं, 400 ही पार नहीं करने देंगे। लेकिन ये तो अब हमारे हाथ में है, हमें अपना विकास कराना है कि नहीं कराना है। देश तरक्की की राह पे, आप भी तरक्की करो। हमेशा तरक्की तभी होती है जब कोई एक आदमी ऐसा मिल जाता है वो कम से कम खुद तो खा नहीं रहा है ना, और दूसरों को पचने नहीं दे रहा है जिसने खा लिया। एक बात बताऊं, बहुत सालों बाद एक ऐसा राजा भारत में आया है जिसकी रोम रोम में राम बसे हुए हैं, और भगवान की कोई भी बात चले उसके रोम रोम खुल जाए, यानी कि ऐसा आध्यात्मिक नेता नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। नेता दुनिया में आते हैं, आध्यात्मिकता नहीं मिलती, और जो आध्यात्मिक होता है ना वो संवेदनशील होता है और भगवान का दूसरा स्वरूप होता है, ये मैं तुम्हें आज बता दूं। ठीक है, कोई चला जाएगा बाद में याद करोगे, क्यों? क्योंकि जितना विकास इन 5-7 सालों में देखा है ना मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। और तुम कहते हो पहले विकास होता था, भाई विकास के नाम पे केवल डंके बजते थे, विकास नहीं होता था। अगर असली तह में जाओगे तो पता चलेगा अभी विकास हो रहा है तुम्हारे बच्चों का भी। एक चीज चाहता है ये प्रधानमंत्री मोदी तुम्हारे से, वो ये चाहता है मनु भैया की तरह कोई छुट्टी ना करे, रोजाना कमाए, रोजाना पैसा कमाए, रोजाना लेकिन मेहनत करे, खाली ना बैठे कोई भी। अगर किसी को खाली बैठने की आदत है तो वो ये देश छोड़ के चला जाए, और बातें करने की आदत है। आगे ना, तरक्की की राह तो तभी होती है जब देश का प्रत्येक वर्ग का आदमी काम करता है। आपको पता है जापान में प्रत्येक व्यक्ति काम करता है और देश तरक्की की राह पे। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो सोच से ही टैक्स भरता है कि नहीं, हमें अगर सरकार का भला करना है, अपना कल्याण कराना है तो हम टैक्स जरूर देंगे। पता है आपको इस बात का, और सबको टैक्स भी देना चाहिए जो टैक्स पेयर है, लेकिन देश के लाभ के लिए, देश के हित के लिए हमें काम भी करना चाहिए। जम के लूटा इसको डॉक्टरों ने, मैं कहता हूँ जम के लूटा, क्योंकि मेरे पास मरती हुई आई थी, डॉक्टर कह दे। अब कोई बीमारी बता दे इसके अंदर है, कोई बीमारी महसूस हो रही है कुछ बीमारी, अब क्यों नहीं हाजिरी लेती? अगर प्रेत नहीं होते तो इसकी हाजिरी बंद कैसे हो जाती भाई, यही बता दो मुझे। तो बाल्या कोई झूठा झूठ झूठ कर रहा है, क्यों करेगा वो? इसको अपने बच्चे नहीं पालने, इसकी बेटी अकेली है वहाँ, ये उसको रोटी बना के खिलाना चाहती है, वो पढ़ती है, ऐसा ही है ना। फिर लोग धता बता देते हैं, कहाँ धता बता रहे हैं भाई? तुलसीदास जी कह रहे हैं, 18 पुराण कह रहे हैं, वेद व्यास जी कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत कह रही है, भूत डामर तंत्र कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं कि भाई प्रेत हैं, और नलायक ये कह रहे हैं कि प्रेत होते नहीं है, अंधविश्वास है ये। और इस अंधविश्वास के कारण जो प्रेतादिकों से घिरे हैं ना, वे ये सोचते हैं यार अपने तो आदर करते नहीं, ठीक है इससे अच्छा तो क्रिश्चियन बन जाओ। क्या बन जाओ? आधा आधा पंजाब क्रिश्चियन हो गया है कि नहीं? बहुत सारे वे हो गए वहाँ पादरी, हालेलुया है ना, फायर, और वो ऐसे ही खेलते हैं प्रेत वाले, लेकिन वहाँ आदर है, वहाँ उनको संबोधित आदर से करते हैं कि ये मेरी माता बहन है, ये ठीक होगी होगी, और ठीक करने की कोशिश करते हैं, इसलिए लोग वहाँ जुड़ जाते हैं। और यहाँ क्या करते हैं कि भाई चाचा की लड़की को प्रेत आ गया, उसको ताने देने लगते हैं, मारने लगते हैं, अपनी पत्नी को ही गाली देने लगते हैं यहाँ के लोग, अब कमी नहीं तू पिछले से लेके आई है, छोड़ और देते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं। अगर किसी की नई बहू को प्रेत आ जाए तो उसके घर वाले रिश्ते तोड़ देते हैं, ससुराल वाले कहते हैं ना पीछे से लेके आई है, कड़वे कड़वे देखने लगते हैं, बोलते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं, और फिर कदर घटा देते। ये बड़ी बात है ना, तब किसी के दुख को समझा नहीं जाता। ये ऋषिकेश एम्स की बात बताई जहाँ डॉक्टरों को आपकी पत्नी का रोग नहीं पा रहा था, उन्होंने बहुत सारा पैसा लगवाया, आपसे रोग था प्रेतादिकों के कारण, बोलो हाँ के ना, तब अब कैसे रोग ठीक हो गए बिना कोई दवाई दिए? एक एक बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, वही मशीन सदा सच्ची है ऐसा नहीं है। आपने आज टेस्ट कराया आपको कैंसर निकला, 10 दिन बाद कराया आपका कैंसर की गांठ खत्म हो गई, कहाँ चली गई भाई? इसका मतलब मशीनें भी झूठी हैं, और जो झूठा है
उसके बेस पे डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, तब हमारा हाल क्या होगा बताइए जरा। तो इसका मतलब डॉक्टर अपने पे तो कुछ ले नहीं रहा, मशीन पे ले रहा है, और मशीन झूठी निकल आई। यही डॉक्टर ही कन्फ्यूज है, और फिर उस कन्फ्यूजन में डॉक्टर कहता है तेरा तो ऑपरेशन होगा, तुझे काट दिया जाएगा, तेरे यहाँ बैग लग जाएगा, ये हो जाएगा वो। 42,000 रुपए का टेस्ट 2 दिन में कर दिया उन्होंने। 42,000 रुपए का टेस्ट कर दिया 27,000 का, तो अकेला वो पेट सिटी होता है वो करवाया उन्होंने। 27,000 का वो करवा दिया अकेला, मतलब 42,000 रुपए का टेस्ट। तू इतने पैसे लाता है कहाँ से 27,000 42,000? इंसान बचाने के लिए कर्जा पत्ता कहीं से भी करके क्या करना, इंसान अपनी जान बचाने के लिए कर्जा पत्ता। मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी घर दे और हॉस्पिटल वाले घर बिकवाए, कितनी बड़ी बात है भाई। नरेंद्र मोदी जी ने सबको घर दिए, ठीक है, और हॉस्पिटल वाले सबके घर बिकवा रहे हैं। उधर भी ध्यान कर लो नरेंद्र मोदी जी, कोई ठक्के खा रहा है, कोई हमें लूट के खा रहा है चिकित्सा के नाम पे, किसी ने हमारी जान बकसनी नहीं है। वो अपने 10,000 रुपये नहीं छोड़ना चाहता, उसके लिए भी धक्के दे देता है। वो कहता है मैं कोरोना का वॉरियर हूँ, लेकिन आपको पता नहीं वो 2 रुपये के इंजेक्शन को कोरोना काल में 50,000 रुपये का लगा रहा है। वो कहता है कि कोरोना काल में मैंने सेवा की है, लेकिन आपको पता नहीं 1,49,000 रुपये का एक आदमी का पैकेज था, एक कमरे में अंदर बंद कर दिया गया, और वो बंद इसलिए हुआ डर के मारे कहीं मेरा प्राण ना चला जाए, ठीक है। वो हॉस्पिटल में जाके लेट गया, दवाई नहीं चढ़ाई, बोले ससुरे को कोरोना का डर है, मरने का डर है, इसलिए आ पड़ा और 1,49,000 रुपये ले लिए। दोनों टाइम एक एक टैबलेट नीचे से सरका देते थे, इसको खाता रही भाई, ये रोटी की प्लेट, ये उसकी प्लेट सैनिटाइज की हुई। 1,49,000 रुपये का पैकेज था। एक परिवार ने मेरे को फ़ोन किया कि भैया आपकी जान संसार के लिए कीमती है, आप भी ये पैकेज ले लो। मेरे को 3 बार कोरोना हुआ, मैंने पैकेज ही नहीं लिया, ठीक है। अगर भाई कीमती है तो उसको भी तो पता होगा ना कीमती है, नहीं समझे? अरे इंसानों को बड़ा पता कि इसकी जान कीमती है, भगवान को नहीं पता, नहीं पता भाई उसको। जो काम कराना है, जिसने जान दी है, उसको तो पता नहीं है मेरी जान कीमती है, इंसानों को सबको पता है। मैंने कहा भाई तू मुझे माफ़ कर दे, आ गए ना, भगवान ने सबसे पहले मुझे कोरोना का वॉरियर बना दिया। 3 बार चढ़ा निकम्मा, 3 बार आया, भगवान ने कहा तेरे तो मैं सूती ऐसे बना दूंगा, कोरोना जब भी आएगा तो उससे लड़ेगा, हार के अपने घर मुँह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी तुझे कोरोना को, आ गए ना समझ में, ऐसा वॉरियर बना दिया। अब भाई कोरोना ससुर, ठीक है। एक बात, कोरोना को भगाने के लिए सरकार ने 2 इंजेक्शन लगा दिए, उसका ही बुखार 10 दिन चढ़ गया, नहीं समझे, आगे ना। और सरकार भी सीना ठोके न्यू, अब देखो हमने क्या बनाया। अरे भाई कुछ नहीं बनाया तुमने, तुमने तो बनाया बनाया कुछ नहीं, तुमने तो पैसे को लुटाया और बहाया, और क्या बहाया। देखो भाई 2 इंजेक्शन रामपाल को लगे, 10 दिन बुखार आया टूट गया, इससे अच्छा तो कोरोना आ जाता 3 दिन का। सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है ना। पूरे धाम में 5 लड़कों को बुखार चढ़ा, 4-4 दिन में शरीर टूट गया बिल्कुल उन इंजेक्शन से। मिला क्या भाई, ये निगेटिविटी से लड़ने की शक्ति है, वो भगवान के नाम में बहतेरी है। अगर तुम भगवान का नाम लोगे तो निगेटिविटी से लड़ने की शक्ति बहतेरी आ जाएगी। जब सरकार नहीं थी और सरकार थी तो सो रही थी, तब क्या किया किसने, साईं बाबा ने पूरे गांव के चारों तरफ आटे की लकीर फिर दी। अब सब तरफ रोग ही रोग आया, तुम गांव से बाहर मत निकलना, क्या नहीं करना, गांव से बाहर मत, रोग आया ही नहीं। सबने सोचा साईं बाबा ने बचा लिया, आटे में कुछ डाल रखा था, आटे में कुछ नहीं डाल रखा था। साईं बाबा ने ये कहा भाई तुम अलग हो गए सारे संसार से, अब अपना यहीं भजन करो, यहीं रोटी खाओ और यहीं रहो, नहीं आया समझ में। तब वो रोग फैला ही और वो पूरा शिरडी गांव बच, ये बाबा की मेहर थी, बाबा की दया थी। तुम्हें किसी को नहीं कहना है, जब मरने से लोगों को इतना भय लगता है तो निकलोगे ही नहीं। 1.5 साल बाद एक औरत अपने बच्चे के साथ एक ही कमरे में मिली, कोरोना से डरी बैठी थी, कोरोना चला गया, लोग वो भी कर रहे हैं। 1.5 साल बाद वो अपने घर में मिली और उसके घर में इतना कूड़ा था, इतना करकट था, कुछ नहीं, वो सामान मंगाती 1.5 साल तक लगातार डरी रही। आखिरकार उसका आदमी बाहर से विदेश से नौकरी करके आया, उसने फ़ोन किया पुलिस वालों को और उन्होंने उस औरत को बाहर निकाला घर से, उसकी कटिंग की, बालों की कटिंग की, बच्चे की कटिंग की, ऐसे एक अपनी बेटी के साथ एक ही कमरे में बंद रहेगी 1.5 साल तक। इतना भय व्याप्त कर दिया संसार में, नहीं समझे। ये चीज़ें कुछ अच्छी होती हैं, कुछ अच्छी नहीं भी होती है,
नेता कितना ही बड़ा हो कई फैसले गलत होते हैं और कई अच्छे होते हैं, नहीं समझे आप? आ गया ना समझ में? जैसे एक फैसला क्या था नोटबंदी का, वो गलत था मैं मानता हूँ, नहीं आपने अगर नोट ही निकालने थे तो पहले 50 के और 100 के नोट मार्केट में भरपूर कर देते और फिर दोनों नोट बंद कर देते, मैं देखता किसके पास रहता। अब कोई अपने नोट बदलवाने जा रहे हैं, बैंक मैनेजर से सेटिंग होगी, लेके तो लोगों के सामने से ही आएगा, ठीक है? अब ले गया एक गड्डी भर के बोरी आ रहा है, ठीक है कि नहीं? लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि ले गया तो बोरी भर के लेके गड्डी आ रहा है, नहीं समझे? 2000 का नोट निकाल दिया। साथ महाराज की बोले, परम पूज्य मनु भैया जी की बोले, परम पूज्य गुरु माता जी की। अब दूसरी बात सुनो, पहले 5 दिन का टाइम देके सबको सबके घर पहुंचा देते, अब जितना फैलना था तो फैलना था, बाद में क्वारंटीन तो सबको किया ना, तो उसको और फैला दिया विस्तार से। कई बार देश की नीतियां गलत हो जाती हैं, संसार में नीतियों का पता नहीं चलता, हम इसको किस तरह से लागू करें। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के होते हुए भी ऐसा काम हो गया बेवकूफों वाला, ठीक है? लोग सड़कों पर मारे मारे फिरे, किसी को कुछ ना मिले, सबका अनादर हो गया, टूट गए, बहुत सारे लोग मर गए, ये कई बातें होती है ना? जैसे डॉक्टर जिस मशीन के बल पे ऑपरेशन कर रहा है, वही मशीन अगले दिन उसके टेस्ट को कुछ और दिखा देती है और डॉक्टर फिर भी ऑपरेशन कर देता है। जो झूठा है आप उसकी शरण ले रहे हो, उसकी मशीन झूठी होती है डॉक्टर की, नहीं समझे आप? पहले सुनिए मेरी बात, पहले क्या किया डॉक्टरों ने, अल्ट्रासाउंड किया, कभी नहीं बताया। 9वें महीने में जाके जब गर्भ पूरा हो गया, जब महिला को बता रहे तेरे बच्चे की तो गर्दन की हड्डी नहीं है, बाहर कैसे आएगा, ये तो ऑपरेशन करके बाहर निकालना पड़ेगा और मरा हुआ होगा, क्या होगा? सुन लो मेरी बात, पहले 4 उसमें उनको पता नहीं चला, 4-5 अल्ट्रासाउंड में, लास्ट में जाके ये बात बता रहे, काहे आदमी के साथ खेला कर रहे हो भाई? जब तुम्हें कुछ आता धाता नहीं तो अपने औजार पजार रख रख के बैठ जाओ, ये पता ही नहीं है बीमारी कहाँ से उत्पन्न हुई है और इलाज कर रहे हो किस चीज़ के? पथरी की वजह से, रसौली की वजह से कराए थे लेकिन उसमें कुछ नहीं निकला, तो बाद में वो फाइल्स का उसमें लेकर उसी का कैंसर निकला, उसमें भी तो निकलना चाहिए था थोड़ा बहुत, वो तो बेटी का हुआ था। हिमालयन हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमारे यहाँ का, वो एम्स के बराबर टक्कर का हॉस्पिटल हिमालयन देहरादून में, वहाँ लास्ट में वही टेस्ट। ये टक्कर फर्श में और बिल्डिंग में देते हैं, ये इलाज में टक्कर नहीं देते हैं, इलाज बिलाज कुछ ना है। तेरी पत्नी को ठीक कर दिया, पैसे कितने ले लिए 1 साल में? बात तो ये अब यह सबके सामने ठीक खड़ी है। आदमी अपने किसी भी रोग को महसूस करता है, दस्त लगेंगे वो बताएगा ना डॉक्टर मुझे दस्त लगा हुआ है, पेट में दर्द होगा वो बताएगा ना डॉक्टर मुझे पेट में दर्द है, शरीर में हलचल होगी अस्थिरता होगी वो बताएगा ना डॉक्टर साहब मेरा सिर भारी है, वही तो बताएगा डॉक्टर साहब मेरे कंधे जाम हो गए हाथ नहीं उठ रहे, कौन बताएगा? फिर आदमी खुद मशीन है, उसका मन मशीन है, उसका हृदय मशीन है, वो पूरा ही मशीन है, तो जो मशीन है असली मशीन है वो नकली मशीन का सहारा क्यों ले? नकली मशीन ने आज कहा कि तुम्हें डिप्रेशन है और उसी नकली मशीन ने एक दिन फिर कह दिया अब तुझे कुछ नहीं है, फिर क्या करोगे? कितने टेस्ट आपके सही होते हैं मुझे यही बता दो, बोलो कितने टेस्ट सही होते हैं? अरे कोरोना काल में भी एक ये बता रहा है कोरोना नहीं है इसको, और दूसरा ये बता रहा है कोरोना हो गया है। किस चीज का बोला है कि अब बचेगा नहीं, तू अपने घर में लेके जाओ, सेवा जो करना है कर लो। क्या होता है इसको? भूखी होता है, उल्टी होता है, खाना नहीं खाता है। मैं तो एक बात बताता हूँ मेरी बहन, ऐसे यार जिनको डॉक्टरों ने जवाब दिया 20 आगे बच चुके हैं बिल्कुल, और एक तो ऐसा था कि आज आया अभी जवाब दिया, पूरे शरीर में सोजन है, रोहतक PGI से आया, अगले दिन तक वो ठीक हो गया, अगले ही दिन ठीक हो गया, सारी सोई कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। फिर अरे भाई ये तत्व ही इतना खतरनाक है, इसकी कोई डॉक्टर के पास कोई पहचान नहीं है, और बिना रोग के इलाज करेगा तो खाएगा क्या? देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो मैं अभी इसका साथ में निकल जाता हूँ, फिर मेरा दामाद लेकर आया, आपका नाम बताया। ये कल आए? जी नहीं, मैं आया हूँ हफ्ता डेढ़ हफ्ता हो गया। डेढ़ हफ्ता से ये भी यही है जी, तो इनको आराम पड़ना चाहिए हर चीज में। रात में तो बहुत तंग में आ गए, तो आराम पड़ना चाहिए इनको, कुछ चीजों में दर्द है उनको शरीर में,
दर्द पहले भी नहीं था, हल्का फुल्का रहता है तो हल्का फुल्का आराम। देखो मैं बताता हूँ, निगेटिविटी के कारण दर्द जरूर रहेगा, काम रुलाना है मन भैया का, काम रुलाना नहीं हंसाना है, इसलिए हंसाते रहते हो नहीं समझे। आया पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़े लिखे को गुणना भी जरूरी है। सबका शरीर स्वामी बता देता है मुझे ये रोग है, कौन शरीर नहीं बताएगा मुझे रोग नहीं है, बताइए मुझे, बोलो। मैं बोल रहा हूँ, मेरे गले पे जोर पड़ रहा है तो मुझे पता है ना कुछ है, बोलो। फिर उसको डॉक्टर थोड़े ना बताएगा, मैं ही कहूँगा डॉक्टर साहब मेरे को बोलते हुए दबाव पड़ रहे, कौन कहेगा? डॉक्टर ही पूछता है तुम्हें क्या हुआ, डॉक्टर फिर टेस्ट करता है, अच्छा भाई ये यहाँ तक हुआ है, फिर कई बार टेस्ट करता है झूठी रिपोर्ट आ जाती है, कई बार वो कह देता है कि तुम्हें तो भाई वो हो गया है डेंगू हो गया है, दूसरी रिपोर्ट करा ली तो टाइफाइड बता देगा। तो जिनकी मशीनें ही झूठी है वो झूठ के आधार पर ही काम कर रहे हैं, इसका मतलब कभी कैंसर बता देता है अगले दिन मना कर देता है, इतना भयानक गंभीर रोग के लिए भी उसके पास डिटेक्शन का कोई सही तरीका है ही नहीं। बताओ अगर उसने किसी को कैंसर बता दिया, अगले आदमी के हाथ पैर टूट जाते हैं, जमीन निकल जाती है पैरों की, और उसने 20 दिन के बाद अगर चेक कराया और फिर कैंसर नहीं निकला, फिर मतलब यही मरने जीने की खुशी मनाता फिर आदमी। और गुरुजी ये कितनी बड़ी बात है कि आज हजारों टेस्ट करने के बाद भी बीमारी का पता नहीं लगता, और एक जमाना ऐसा था कि नाड़ी देखकर पूरी शरीर की बीमारियों को बता दिया जाता था। नाड़ी यहाँ से पकड़ी जाती है वात पित्त कप की, अब अगर वात पित्त कफ की नाड़ियाँ ठीक नहीं चल रही हैं, उनका धड़कना ठीक नहीं है, और जिसमें दिक्कत है वैद्य आपको पहले बता देता था आपको वात की पित्त की कफ की बीमारी है, अब वैद्य आपका चेहरा देखता था गला देखता था, तब वो चेहरे से और गले से ही भाप लेता था इसको श्वास की बीमारी है ठीक है या इसको कफ की बीमारी है ऐसे, और उल्टा आप बात करते थे आपके गले से पता कर लेता था कि आपको ये वाली, अब तो नहीं पता करते। अब आप क्या महसूस कर रहे हो देख लो, वही है सबके सामने, कल ही ठीक हुई है, और कल ठीक होने के बाद जो ही तत्व निकला पूरा शरीर फ्रेश हो गया, कोई बीमारी ही बाकी नहीं रही, ये निगेटिविटी है, ऐसे देश का भविष्य सुधरेगा, आगे रहना तो क्रिश्चियन बनने से देश का भविष्य सुधरेगा। इसलिए अगर अपना कोई बीमार हो जाता है उसको भूत प्रेत की बाधा आ जाती है तो टोको मत, उसका साथ दो है, उसको विश्वास में लो, उसको बताओ कोई बड़ी चीज नहीं हुई है, एक दिन बाहर निकल जाएगी, भगवान का नाम लो तब, अरे वो हालेलुया करे ठीक है तुम नहीं करो, वे कम से कम उस आदमी को सहारा देते हैं जो पीड़ित है, और तुम उस आदमी को नकारते हो जो पीड़ित है, तुम कह देते हो तो ढोंग है ढकोसला अंधविश्वास है, इसलिए तुम्हारी पढ़ाई फ्री है, तुम अनपढ़ के बराबर हो, और जो पढ़े लिखे हैं वो ये कहते हैं नहीं तुम आ जाओ हमारे मसीह इसको निकाल देंगे शैतान को तुम्हारे को, जबकि 2 से 2.5 करोड़ रुपये लगते हैं MBBS बनने के लिए, वो तो 2000 करोड़ कमाएगा उसको मतलब नहीं है। भारत के डॉक्टर के बारे में पूछो तो कोई भी बता देगा कि ये ठगी का व्यापार है, कोई भी राह चलता आदमी बता देगा ठगी के लिए बना रखे है आगे ना। तो इस देश के प्रधानमंत्री को ही शर्म आनी चाहिए कि जिसके लिए, जिस चिकित्सा के लिए देश का इतना सर्वाधिक पैसा जाता है और बर्बाद होता है, उस चिकित्सा को कम से कम इतना स्मूथ कर दिया जाए, कोई देख के ये ना कहे कि ये ठगी का व्यापार है। जैसे आज यूपी पुलिस के लिए कौन सा शब्द करेगा, ये कहेगा कि ये पुलिस का वो है या ये वो है, खाने वाला पैसा खाने वाला है कि पुलिस तो यही है, नहीं कह सकता ना आज। तो ऐसे परंपरा बदलनी चाहिए ही चाहिए और पड़ेगी भी। आज पुलिस वालों को भी गर्व होने लगा है कि हम यूपी में पुलिस का काम करते हैं, जबकि सबसे ज्यादा बदनाम थी उत्तर प्रदेश की पुलिस, सबसे ज्यादा बदनाम थी। ये तो अपने पत्रकार में होते हैं, इन्होंने तो देखा होगा, इंटरव्यू भी लिया है, इन्होंने तो 7 साल 8 साल पहले एक ऐसी वीडियो भी डाली थी जिसमें यूपी पुलिस का एक आदमी दारू पी के एक औरत को बाहों में भर रहा है जबरदस्ती, जी जिस पर 40 लाख व्यूज जिसके 40 लाख व्यूज हैं इन्होंने ही डाली थी। और आज यूपी पुलिस में कोई ऐसा करने की सोच सकता है, पहले उसका दिमाग करोंदेगा यार तू क्या करने जा रहा है, अगर दारू पी के भी वो पकड़ा जाएगा फौरन सस्पेंड होगा, सेकंड नहीं लगेगा, कौन से थाने का था, कहाँ का था और कैसा था, फौरन
तो हमारी स्थिति कम्बे के बदल जाएगी, हमें नहीं पता। कम्बे के हम हाजिरी से भी बाहर आ जाएंगे, हमें नहीं पता। कम्बे के हमारे सारे दर्द मिट जाएंगे, हमें नहीं पता। क्योंकि निगेटिविटी का वजन होता है, वो इतनी सूक्ष्म चीज़ है कि डॉक्टर की किसी पकड़ में नहीं आने वाली। और डॉक्टर हमारा हजार वर्षों तक भी इलाज करते रहे तो उससे हमारी कोई भी बीमारी पूर्ण रूप से कदापि ठीक नहीं होगी। निगेटिविटी पेट में जाती है, डॉक्टर रसोड़ी का ऑपरेशन करता है। निगेटिविटी पेट में जाती है, डॉक्टर बच्चादानी निकाल देता है। निगेटिविटी पेट में जाती है, डॉक्टर पथरी बता के ऑपरेशन कर देता है। निगेटिविटी पेट में बैठती है, डॉक्टर कहता है पिताशय में बैठती है, तो डॉक्टर कहता है कि इसको पित्त की थैली में पथरी है, उसका ऑपरेशन कर देता है, उसको बाहर कर देता है। 30 साल की उम्र में क्या पथरी है? और इन भारत के डॉक्टरों की तो क्या कहो, 3 दिन में वो लड़का आने वाला है अपनी सारी रिपोर्ट्स लेके, जिसको हृदय में भार है, हृदय में दर्द है और हाथ में झंझनाहट है, और उसका पित्त की थैली निकाल के 31 साल में बाहर कर दी डॉक्टरों ने। हद है इस भारत के डॉक्टर की, नलायकी की एक हद है। वो सीमा ये पार कर चुके हैं, केवल ठगी के संस्थान है, केवल लूट के संस्थान है। आप आते हो रोज वीडियो देखते हो मनु भैया की, रोज लोग ठीक होते हैं। वो बीमारियां ठीक होती हैं जो डॉक्टर से कदापि होती नहीं थी। वो बीमारियां नहीं थी, वो निगेटिविटी थी जो मनु भैया ने निकाली है। और दुनिया का कोई हॉस्पिटल वाला आज तक चैलेंज करने वाला नहीं आया, भाई हमारे हॉस्पिटल में आओ, हमारे हॉस्पिटल में 500 मरीज हैं, इनमें से बताओ किसको निगेटिविटी है, हैं, और किसको आप ठीक कर सकते हो, तो मैं तुरंत बताऊंगा मैं इसको ठीक करूंगा, और तुरंत बताऊंगा इसको मेरा लाभ हो जाएंगे, और तुरंत बताऊंगा कि देखो मैं इसको करके दिखा रहा हूं, अभी तक इसको लाभ नहीं पड़े, अब कैसे पड़ते हैं। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है ये बात साबित करवाने के लिए, जिगरा नहीं है। उनकी कमाई 0% रह जाएगी, 0% रह जाएगी उनकी कमाई। जहाँ वे अरबों अरबों रुपये एक साल में कमाते हैं, वहाँ उनकी कमाई हजारों लाखों में रह जाएगी। बस कुल बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की बर्बाद हो जाएंगे सारे के सारे। पता चलेगा 90% जनता निगेटिविटी से जूझ रही है, जो हॉस्पिटलों में घूम रही है उनका 90% निगेटिविटी से जूझ रहा है। लेकिन आज भी तो जो लोग बिल्कुल लूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते वो हैं, वो बर्बाद में आते वही हैं। लोग यहाँ पहुँचते हैं, उससे पहले लोग यहाँ नहीं पहुँच रहे, वो वीडियो देख के पहुँचते हैं। डॉक्टरों को कोई परेशानी नहीं होती है। हाँ, जब वो पहले पहुँचने लग जाएंगे तब परेशानी हो जाएगी जी। जब वो घर में अपना चेकअप करने लग जाएंगे और मानसिक स्तर पे जाप करने लग जाएंगे तब उनको पता चल जाएगा कि हमारे तो निगेटिविटी है, इलाज कहाँ होगा हॉस्पिटल में, नहीं होगा ना। फिर इतनी देर कोई संकीर्तन करता था, आप ऐसे बैठ सकते थे, आप बिना दर्द के रह सकते थे, आपको बल नहीं लगता, भार नहीं लगता, लग सकता था, टूट जाती। पहली बार इतनी देर खड़ी हुई। अभी एक केस आपने देखा, एक लड़की का केस, वो चल नहीं पाती, हाथों में जान नहीं रही, हाथों में जान आने लगी और उठने लगी, अपने बच्चे को गोद में उठाने लगी, जबकि हॉस्पिटल्स में कई लाख रुपए दे के आई। तो फिर हॉस्पिटल्स में उसका इलाज क्यों नहीं मिला तुम्हारे देखते देखते? बोलो शनिदेव महाराज, बैठ जाओ। अब तक जब चल रहा था सबके लिए संकीर्तन चल रहा था, किसी एक आदमी के लिए नहीं चल रहा था, और अब सबके लिए हवन होगा, उसके बाद वहाँ देखा जाएगा। बैठो अभी सारे के सारे आराम से, इधर आने की कोशिश ना करें, बैठ जाओ।